असलमैकम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल क्या हाल चाल है आप सबके मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज का दिन तो बस बहुत लेज़ी गुजर रहा था मेरा लाइक like, मेरा सुबह उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीकेंड है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देर तक सो जाती हूँ सोना क्या होता है मतलब लेटे रहना होता है वैसे बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं तो आँख तो वैसे ही सुबह खुल जाती है मैं कहती हूँ कि स्कूल के टाइम में जो रूटीन एक सेट हुई होती है ना तो वीकेंड में थोड़ा सा यू नो मुझे बेड टाइम चाहिए होता है मैं थोड़ी देर लेटती हूँ और थोड़ा सा यूट्यूब देखती हूँ कोई अच्छा सा व्लॉग देख लेती हूँ किसी का खैर उसके बाद मैंने कहा फाइनली उठ जाती हूँ क्योंकि मौसम जो है ना आज बड़ा ग्लूमी सा हो रहा था तो इसलिए मेरा दिल नहीं हो रहा था उठने का उठी तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो रैप बना लेती हूँ क्योंकि यूजुअली वीकेंड में मैं रैप बना देती हूँ क्योंकि अब्दुल को खाना अच्छा लगता है तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप किस तरह से चिकन को मैरिनेट करती हैं तो वो बस मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने एक हाफ़ चिकन ब्रेस्ट लिया है उसको मैंने आपने देखा कितना फ़ाइनली चंक्स में छोटे छोटे पीसेस कट करके रख दिए हैं तो इसके अंदर मैंने डाला था आ, वन टीस्पून भर के पेपरी का पाउडर हाफ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर है हाफ टी स्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर है इसके अंदर कोई अदरक लहसन नहीं जाएगा कोई योगर्ट नहीं जाएगा क्योंकि जब आप योगट डालते हैं ना और चीज़ को फ्रिज में या फ्रीज कर देते हैं तो वो चीज़ पानी छोड़ देती है बाद में तो हम लोग इसमें कोई भी जो है वो आ, आ, दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अदरक लहसन भी मैं जो हूँ नहीं डालूँगी अगर तो आप लेग एंड हाई के पीस बना रहे हैं तो आप अदरक लहसन का पाउडर या फिर पेस्ट ऐड कर सकते हैं साथ ही मैंने भर के वन टीस्पून धनिया पाउडर और वन टीस्पून स्पून पिसा ज़ीरा ऐड कर दिया था और तकरीबन ये मेरे पास वन टीस्पून के बराबर टिक्का मसाला है आप शान का ले लें मुझे नेशनल का अच्छा लगता है टिक्का मसाला तो वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने आ, काली मिर्च भी ऐड करी थी हाफ टी स्पून और थोड़ा सा चाट मसाला और यहाँ पर मैंने इसके अंदर हाफ़ से थोड़ा सा कम लेमन था उसका जूस ऐड कर दिया था और अगर आप लेगन थाई बना रहे हैं आपके पीसेज ज़्यादा हो चिकन ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से जो है वो लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा और अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो मसाला है वो चिकन में लग जाए इसके अंदर मैंने वन टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर दिया था उससे जो मसाला है वो ना वो चिकन में चिपक जाता है मतलब उतरता नहीं है और यहाँ पर अब मैं चिकन जो है वो रेडी कर रही हूँ लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा मुझे ना ग्रेवी अच्छा लगता है क्योंकि जब अब मैं रैप बनाती हूँ ना तो मैं ग्रेवी जो है ना वो रोटी पे लगा देती हूँ उसके बाद फिर चिकन रखती हूँ और अब यहाँ पर मैंने जो लेफ़्ट ओवर चिकन था मैरिनेट हुआ हुआ उसको मैं कंटेनर में डाल दूँगी अगर तो आपने आ, तीन चार दिन के लिए बनाया है तो आप फ्रिज में रखें या तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें ये पानी नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल इसी तरह से ड्राई रहेगा तो इस चिकन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं रैप्स बन जाते हैं सैंडविचेस, पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा की मेरीनेशन हुई हुई चिकन है ये तो बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपने दिन के लिए रेडी हो चुकी थी मैंने आ, क्योंकि बाहर जाना है वीकेंड है तो मैंने कहा बच्चों को लेके बाहर चलते हैं थोड़ा सा अपने दिन को जो है वो इन्जॉय करते हैं क्योंकि ये दिन है डे इन द लाइफ मैं क्या करती हूँ अपने दिन में सोचा कि आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ और आज बेबी की शॉपिंग में बिजी हूँ तो मैं ऑनलाइन चीज़ें जो है वो मंगवाती रहती हूँ लेकिन ऑनलाइन चीज़ें भी ना बताऊं कि इतनी ज़्यादा मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो उन्होंने साइज़ दिया होता है उस हिसाब से जो चीज़ होती है वो इतनी छोटी होती है इतनी टाइट लग रही होती है ना और हालांकि माशाल्लाह बच्चे मेरे आ, तीन हैं और शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी है लेकिन जब भी भी आ, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है न्यू बेबी आने वाला होता है तो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा होता है और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना अभी भी यकीन करें मैंने कोई भी जो है वो इतनी ख़ास कोई शॉपिंग नहीं करी है और जैसे ही मैं शॉपिंग करूँगी तो आप सबके साथ वो भी शेयर करूँगी और हम अभी आ गए थे डाउनटाउन क्योंकि मैंने कहा निकले हैं तो डाउनटाउन uh, का चक्कर लगा लेते हैं एक्चुअली मेरी हस्बैंड से ना आज थोड़ी आर्गुमेंट हो गई थी तो वो मुझे मनाने के लिए डाउनटाउन ले है मुझे डाउनटाउन जाना ना बहुत अच्छा लगता है और अक्सर मैंने आप लोग को भी बोला है कि जब भी आप एलए आए ना तो एलए का डाउन टाउन तो मस्त जाएँ क्योंकि यहाँ पर ना सारी चीज़ें होल सेल के हिसाब से मिल जाती हैं मतलब नेम ब्रांड नहीं होता है लेकिन नेम ब्रांड की कॉपीज़ हो जाती हैं उस तरह के स्टाइल मिल जाते हैं मैक्सीज़ और बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं टॉयज़ वगैरह तो मैं तो खैर गाड़ी से नहीं उतरी थी क्योंकि मेरा जो है वो आ, कोई इतना ख़ास शॉपिंग का इरादा नहीं था मुझे ना जब मैं इस डाउनटाउन की जगह आती हूँ ना तो मुझे होता है कि मेरी बहन साथ में हो या फिर मामा साथ में हो मिल शॉपिंग करने का मजा आता है और मैं ना शॉपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा पिकी हूँ मतलब मुझे बहुत टाइम लगता है कुछ चीज़ पसंद करने में और ये प्रॉब्लम मेरी शुरू से बचपन से ही है तो इसलिए मेरे साथ ना कोई ज़्यादा शॉपिंग पर जाना पसंद नहीं करता था और कभी कभी अली मेरे साथ चले जाते हैं और इसलिए उन्होंने अब जो है ना मुझे गिफ्ट भी देना कम कर दी क्योंकि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता है मुझे मेरी ली हुई चीज़ जो है वो सिर्फ अच्छी लगती है तो मैं कहती जब भी आपको मुझे कुछ देना होना तो अपने साथ ले जाएँ अपनी पसंद से मैं ले लिया करूँगी या फिर आप मुझे कैश दे दें मैं ख़ुद ले लूँगी तो ये बच्चों के टॉयज़ ले लिए थे और बच्चों की हम लोगों ने बीनीस वगैरह ली थी क्योंकि मौसम जो था वो कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है तो सुबह सुबह के टाइम के लिए ना मैंने कहा चलो बीनी ले, ले लेते हैं डाउन आए हैं तो सस्ती यहाँ पर मिल जाती हैं लाइक फाइव डॉलर सिक्स डॉलर की चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पर इस तरह से ये फ्रूट्स भी बड़े अच्छे और मतलब आए तो हम शॉपिंग करने थे लेकिन मैंने कहा नहीं यार उतरने का दिल नहीं है क्योंकि वीकेंड में ना रश बहुत होता है डाउन टाउन में और मैं रश की जगहों में जाने से ना अवॉइड करती हूँ बच्चे हों मैं हूँ मैं कहती हूँ गाड़ी में रहूँ और आ, हम लोग जो है ना वो ड्राइव थ्रू शॉपिंग करते रहे अपनी आराम से सुकून से कुछ भी चाहिए होता है वो हस्बैंड उतर के जाते हैं और वो लेकर आ जाते हैं उसके बाद जो है वो हम बच्चों को मॉल लेकर आ गए थे क्योंकि इनका भी दिन होता है इनको भी इंजॉय कराना ज़रूरी होता है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था और अब मॉल आ गए थे तो मॉल में इनको गेम्स वगैरह खिलानी थी यूजुअली हम इनको चकी चीज़ लेकर जा रहे थे या फिर डेविन बस्टर लेकिन चकी चीज़ हम जा जा के बोर हो गई थी मैं तो अब इनको हम नई कोई जगह लेकर आए थे ये राउंड वन है यहाँ पर भी ना मेरे हस्बैंड का स्टोर हुआ करता था आज से कोई तीन चार साल पहले आई थिंक ये नॉर्थ रिज मॉल है या फिर लेकवुड मॉल है मुझे सही तरह याद नहीं है लेकिन इसके पूरे ऊपर जो है ना आर्केड बना हुआ है और बॉलिंग भी है यहाँ पर तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर आकर ना इंजॉय करते हैं जब अब्दुल्ला छोटा हुआ करता था ना तो हम अक्सर उसको यहाँ पर लेकर आते थे क्योंकि अली यहाँ पर आ, अपना काम भी करते थे तो मैं फिर टाइम पास के लिए इसको गेम वगैरह खिलाने ले जाती थी लेकिन बड़ा मज़ा आता है इस मॉल में ना क्योंकि बहुत सारी जो है ना बच्चों की गेम्स की ऑप्शंस हैं और एक ही जगह जा जाकर ये लोग भी बोर हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और उसके बाद फिर अली और अब्दुल्लाह का प्लान बन गया था स्पाइडरमैन मूवी देखने का और मैंने इनको बोला प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें क्योंकि मैं खाने की तैयारी कर लूँगी आप तो नो जाया मूवी देख कर क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन मूवी देखने का कोई शौक नहीं है तो और बलाय को मैंने आते ही जो है वो शावर वगैरह कराया और अब मैं डिनर की तैयारी करने किचन में आ गई हूँ बहुत सिंपल सा डिनर बना रही हूँ मैं बनाऊँगी चपली कबाब चिकन के बनाऊँगी और उसका फ़िलहाल तो मैं मसाला रेडी कर रही हूँ मैंने लिया है वन टेबल स्पून भर के साबित धनिया और वन टेबल स्पून भर के ही मैं इसमें साबित ज़ीरा ले लूँगी मेरे पास ना शान का पैकेट ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा इतना क्यों इंतज़ार करूँ खुद ही जो है वो मसाला बना लेती हूँ रख भी लूँगी जो बच जाएगा और आगे भी काम आ जाएगा इसके अंदर मैंने वन टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च का भी ऐड कर दिया है और वन टेबल स्पून भर के मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का भी ऐड कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी मिलती है तो मैं उसको हमेशा ही पीस के ही ऐड करती हूँ लेकिन अगर आपके पास साबित भी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं मसाला भी मैंने इसमें वन टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दिया था बाद में कम ज़्यादा होगा तो हम वो आम, कम होगा तो हम और ऐड कर देंगे तो चिकन को मैंने अच्छे से जो है वो एक बार चॉपर में चला दिया था और जितना भी मैंने मसाला बनाया है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जो मसाला है वो आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं कम ज़्यादा हो तो आप बाद में ऊपर से इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं वो मैं आगे चल आपको बताऊँगी कि कौन से पाउडर मसाले जाएँगे फ़िलहाल तो मेरे पास ये दो तरह की प्याज़ है मेरे पास प्याज कम ही थी घर में तो मैंने दो तरह की ले ली है अब सेम मैं चॉपर ले रही हूँ इसके अंदर मैंने जो है वो कीमा अच्छे से चॉप किया हुआ था तो मैं प्याज को मोटे मोटे चंक्स में काट के डाल दूँगी और आ, मैं इसको अच्छे से ना पेस्ट बना लूँगी और इसका पानी जो है ना निकाल कर फिर मैं प्याज जो है वो कीमे में ऐड करूँगी आप चाहें तो फ़ाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने कहा जब चॉपर गंदा हुआ पड़ा हुआ है कीमे की वजह से तो मैं इसके अंदर ही जो है वो प्याज को चॉप कर लेती हूँ तो मैंने पानी अच्छे से निकाला और सारी प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब साथ ही मैंने दो हरी मिर्चें ली थी बड़े साइज़ की उसको भी मैंने जो है वो पीस लिया था और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं सबके अपने अपने तरीके हैं जो मेरा तरीका है वो मैं आप आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले मैंने जो है वो शान से बनाया था तो वो भी आपके साथ शेयर किया था आज मेरे मसालों से बना रही हूँ तो वो भी आपको बता रही हूँ अभी यहाँ पर मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर वन टेबल स्पून बेसन वन टेबल स्पून और मैदा वन टेबल स्पून ये तीन चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और क्योंकि इसके अंदर जो है वो मकई का आटा जाता है मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के घर में नहीं होता है मेरे पास भी नहीं था कुछ लोग आटा डालते हैं लेकिन मैंने शुरू से देखा है कि मामा जो है वो कॉर्नफ्लोर भी ऐड करती हूँ उससे बड़ी अच्छी ख्रिप्स क्रिस्पी uh, से बनते हैं और अच्छे लगते हैं और uh, इसीलिए मैंने जो है वो तीन चीज़ों का मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है अगर आपके पास नहीं है मकई का आटा तो आप भी मेरी तरह जो है वो uh, इस तरह से मिक्सचर बनाकर ऐड कर सकते हैं अब हमने हाथों की हाथों की हेल्प से इसको इतना गूंदना है मतलब इसको इस तरह से हमने मिक्स uh, करना है जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं अब ये काफ़ी चिपक रहा है मेरी ग्लव्स uh, पे लेकिन जो है वो अच्छी तरह से मैं इसको uh, गूंद लूँगी अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर वन टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च आ, वन टी स्पून इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर वन टी स्पून ज़ीरा पाउडर थोड़ी सी अजवाइन डाली है मतलब क्वार्टर टी स्पून के बराबर एक और हरी मिर्च इसमें मैंने चॉप करके ऐड कर दी है और वन टी स्पून ही इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और मुझे नमक कम लग रहा था मैंने इसको फ़्राई किया था तो मुझे नमक कम लगा तो अब मैं इसमें और मज़ीद नमक भी ऐड कर दूँगी तो ये और मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ ही साथ चॉप टमाटोज़ हैं वो लिए हैं सीड्स मैंने निकाल दिए थे सीड्स हम नहीं ऐड करते हैं क्योंकि वो फिर पानी वगैरह छोड़ देते हैं तो जस्ट आपने साइड पार्ट का जो है वो फ़ाइनली चॉप करना है और ऐड कर देना है कुछ लोग जो है वो फ्राई के टाइम एक बड़ा सा स्लाइस लगाते हैं वो भी अच्छा लगता है लेकिन अगर चॉप करके रख देंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी जब दिल करेगा आप बनाएं निकालें और फ्राई करके खा लें तो अब दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने इसके अंदर हाफ पंच जो है वो धनिया का भी ऐड कर दिया था क्योंकि मैं ऐड करना भूल गई थी टमाटर के टाइम पे तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ फिर से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ये थोड़ा सा रनी हो जाता है और आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रहने देंगे ना लाइक थर्टी मिनट्स के लिए तो ये अच्छा सा मैरिनेट भी हो जाएगा और इसका जो रनीपन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है अब जाहिर है मेरे पास बाहर की तरफ तो कढ़ाई नहीं के बीच में ऑयल हो साइडों में स्पेस हो और मेरा जो तवा है ना मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है मैंने कहा चिपक जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा दिखाने का वीडियो तो मैंने जस्ट पैन लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है आज खाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई है वरना खाना मेरा छः बजे जो है वो रेडी हो जाता है अक्सर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं किचन में आकर फटाफट से डिनर जो है वो रेडी कर देती हूँ तो अब मैं हाथों पे ऑयल लगाऊंगी या फिर पानी लगाऊंगी और इसके बड़े बड़े से जो है वो पैटी बना कर और इसको फिर मैं फ्राई करूँगी मेरी तरह काफ़ी लोगों के घर में जो है वो इस तरह के इलेक्ट्रिक स्टोव हैं और बड़ी मुश्किल होती है ना इसको क्लीन करना इसको इस पे खाना रोटी पकाना बहुत मुश्किल होता है मतलब आपको पहले यूज होना पड़ेगा उसके बाद फिर आप जो है वो आम, इस इससे मुकाबला कर सकते हैं इस स्टोव से क्योंकि स्टार्टिंग में, में मेरे खाने बहुत जलते थे मुझे नहीं समझ आता था लेकिन अब जो है वो आहिस्त आहिस्त में यूज़ हो गई क्योंकि मुझे जो है वो टेक्निक्स का पता चल गया है मैंने क्या किया कि इसके इसको मैं बार बार हटा भी रही थी स्टोव से ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए फिर मैंने दूसरा वाला जो है वो आ, स्टोव ऑन किया बिल्कुल लो फ्लेम पे और उसके ऊपर जस्ट मैंने पैन रख दिया था तो मैं इस पर फ्राई कर रही थी और दूसरे वाले पे मैं निकाल कर रखती जा रही थी ताकि जितनी भी कसर होगी वो जो है आ, पूरी हो जाएगी उस वार्मिंग जोन पर और जो ऑयल है वो भी जो है वो निकलता रहेगा तो इस तरह से करके मैंने जो है वो अपने चप चपली कबाब बनाए थे अब मैं सोच रही हूँ कि जब इन मेरे नसीब में होगा पाकिस्तान जाना तो मैं ये सारी प्रॉपर चीज़ें लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत प्यारे खूबसूरत से जो है वो डिनर सेट हो और प्यारे से पतीलियों के सेट हों खैर वो तो मुझे आते भी रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान की जो स्टील की पतीलियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी सी देख स्टाइल की बनी होती हैं छोटी छोटी मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं तो इन जब जाऊँगी तो वो सब फिर मैं लेकर आऊँगी इतने में अली भी आ गए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से फिर खाना लगा देती हूँ और फ़टाफट से कबाब रेडी कर दूँगी फ़िलहाल तो मैं उतने ही पका रही हूँ कि जितने हमें अभी पूरे हो जाएंगे और जो होगा बाद में जो लेफ्ट ओवर होगा उसके पैटी बनाकर मैं फ़्रीज करके रख दूँगी जब दिल करेगा हम जो है वो निकाल कर फ्राई करके खा लेंगे क्योंकि इसके बर्गर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी प्लेट रेडी कर ली है मेरे पास रायता रखा हुआ था ग्रीन वाला तो इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है नमक है धनिया पुदीना थोड़ी सी हरी मिर्च और दही डालकर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था साथ ही सिरके वाली प्याज थोड़ा सा अचार और वाइट मटर पुलाव मुझे इस तरह के खाने खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मतलब गोश्त से ज़्यादा जो है ना मैं इस खाने को इंजॉय करती हूँ और जब सारी चीज़ें प्रॉपर हों तो सिंपल खाने में भी ना जान आ जाती है तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को आपको बहुत अच्छी लगेगी तो डिनर के बाद हम लोगों ने जो है वो सोचा कि बच्चों के साथ मूवी नाइट करते हैं क्योंकि वीकेंड में हम लोग अक्सर जो है वो मूवी नाइट ज़रूर किया करते हैं अब बच्चों के साथ बैठ कर जो है ना मूवी देखते हैं क्योंकि मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह का टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना अक्सर बचपन में भी मामा जो है ना हमें क्योंकि गुण लिविंग रूम में मैट्रेस रखा होता था तो हम लोग एक साथ बैठकर जो है ना बहन भाई मूवी देखा करते थे मामा हमें कभी फ्राइज़ देती थी कभी कोई सैंडविच बनाकर दे दिया करती थी तो इस तरह से ना हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे अपने बचपन के टाइम को और तभी मैं कहती हूँ कि मोहब्बत रहती है बड़े होने के बाद भी और अभी भी जब मैं इतना दूर मेरे बहन भाई इतना दूर हैं लेकिन फ़ोन पे उन सब से जो है वो कांटेक्ट रहता है और खैर खैर ये एक दूसरे के पूछते रहते हैं और नो एक दूसरे को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा तो इसी तरह ही मोहब्बत बढ़ती है तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मेरे बच्चों में भी रहे और तभी हम लोग इनके साथ जो है ना वो हमेशा बाहर जाते हैं और इनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं घर पे भी मूवी टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने इन सब को जो है वो थोड़े बहुत पॉपकॉर्न कर दे दिए थे और आज मैंने भी जो है वो अपने स्नैक में पॉपकॉर्न खाया क्योंकि चीज़ देख जो है वो फिर खाने का दिल करता है और थैंक यू सो मच जब मैंने आप सबको बताया कि मुझे कुछ भी मैं खाती हूँ मुझे वॉमिट हो जाता है तो आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा रेमिडीज़ बताई हैं मैं ज़रूर ट्राई करूँगी लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना असर नहीं करती क्योंकि ये मेरी माशाला सारे बच्चों में ऐसी मेरी हालत रहती है तो बस गाड़ी चल रही है जिस तरह उस तरह हम भी उसको चला रहे हैं और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार का आपकी दुआओं का मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ आई होप कि आपने आज का व्लॉग जो है वो इंजॉय किया होगा बाय द वे हम मूवी देख रहे हैं सिंह और जो हमने यूट्यूब से रेंट करी थी तो बहुत मज़ा आया आज का दिन अच्छे से गुजर गया आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफिज